subscribe now and press the bell icon, never miss update. कार सभी को आज मैं लेकर आया हूँ आपको 575 एक्सपी का वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि और को बेनिफिट हो सके, और मेरे चैनल पहले आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए आज मैं आपको पूरा तरीके से बता देता हूँ एक्सपी में और 575 नॉर्मल में क्या अंतर है। ये 15 से 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ही उसके मुकाबले। तो आइए मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप ये ट्रैक्टर देख लीजिए, लगभग सेम ही आता है। इसके अंदर जो तुमने 15-20 हज़ार एक्स्ट्रा देती है कंपनी, वो उसकी चीज़ की रहती है। एक तो उसके इंजन को फ़र्क हो गया, ये 47 HP में, वो 45 HP में है, और ये एक्स्ट्रा टॉर्क के साथ आता है ट्रैक्टर, और ये पावर स्टीयरिंग नॉन पावर स्टीयरिंग दोनों मिलेगा, और इसकी भी लिफ्ट कैपेसिटी जो उससे हाई है थोड़ी सी है, तो 16 क्विंटल से 18 क्विंटल के बीच, लेकिन इसकी थोड़ी लिफ्ट कैपेसिटी हाई है उसके अकॉर्डिंग, नॉर्मल 575 के अकॉर्डिंग। तो बाकी सारा ट्रैक्टर अदरवाइज सारा सेम सा लगता है देखने में। और इसके जो गियर है, पहले 575 गियर मारने में थोड़ी आवाज़ होती थी, इसके ट्रैक्टर में गियर में आवाज़ नहीं होती, उसमें स्लाइडिंग आता है, इसमें स्लाइडिंग गियर बॉक्स नहीं है, तो इसकी आवाज़ नहीं करता बिल्कुल भी वो ट्रैक्टर की तरह। और इसके मतलब फ्यूल कंजक्शन बिल्कुल सेम है 4 लीटर के आसपास, और इसके जो मतलब आगे से ग्रिल बढ़िया है और हैवी मेटल की है, तो ताकि इससे एयर फ्लो ज़्यादा होता है, ट्रैक्टर जल्दी उसके मुकाबले कम गर्म होता है जितना वो होता है। और मैं ट्रैक्टर में और इस ट्रैक्टर में सबसे ज़्यादा बड़ा जो इसका डिफरेंट है वो इसी वजह से है कि उसके गियर बॉक्स में आवाज़ नहीं होती, इसकी हाई टॉर्क मारता है ट्रैक्टर ये, और उसके गियर डालने में उसके ज़्यादा उससे ज़्यादा सुकून है। और इस ट्रैक्टर की जो आगे का जो ग्रिल है वो काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव है और काफ़ी अच्छा यूनिक लगता है इसका जो मतलब आगे ग्रिल है, उससे एयर फ्लो ज़्यादा होता है जिस कारण ट्रैक्टर यह गर्म नहीं होता। ये डबल क्लच और सिंगल क्लच में दोनों में मिलेगा आपको, और उसकी सीट जो काफ़ी स्पेसियस जगह है इसके यहाँ पर, और ये सीट चारों तरफ आप एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे ऊपर नीचे अपने वेट के अकॉर्डिंग, और ये पावर स्टीयरिंग नॉन पावर स्टीयरिंग में मिलता है, और इसकी भी लिफ्ट कैपेसिटी सेम है। और इस ट्रैक्टर के अंदर जो मिलता है इसका बोर स्ट्रोक बड़ा है इस ट्रैक्टर में, जिस कारण पावर ज़्यादा लगाता है ट्रैक्टर, जो इंजन का बोर स्ट्रोक है इसका नॉर्मल फॉर्म 575 से ज़्यादा है, और इसकी एवरेज की कम कंजप्शन जो है सेम है। ये भी ब्रह्मपुत्र सीरीज में आता है, 575 XP कर दिया है, तो उस ट्रैक्टर के मुकाबले थोड़ा सा ट्रैक्टर ज़्यादा बेहतर में आता है, और इसमें जो बेनिफिट है उसके ज़्यादा अच्छा है। तो इस ट्रैक्टर को अगर आप ले रहे हो तो 575 नॉर्मल से 575 XP लो, तो मेरा ज़्यादा आपको राय होगी कि 575 आप XP देखो, XP क्योंकि ज़्यादा अच्छा है और 575 से बेहतर है काफ़ी किसी हद तक, और इसमें 15 से 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जाते हैं, तो आपको इस चीज़ का पूरा बेनिफिट मिलता है। और आप किसी भी फील्ड में किसी भी तरीके से आप ट्रैक्टर को फील्ड में डालकर देख सकते हो, आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट अगर उससे ज़्यादा अच्छा लगे तो आप उस ट्रैक्टर को परचेज़ करो, नहीं तो नहीं। उस ट्रैक्टर के मुकाबले इस ट्रैक्टर के अंदर आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा सभी चीज़ में, किसी भी खेती वेती के अकॉर्डिंग देख सकते हो। इसका बोर स्ट्रोक ज़्यादा हो गया, इसका इंजन की रिफाइनिंग ज़्यादा होगी, इसका एयर फ्लो होने की वजह से ज़्यादा ठंडा रहता है उसके मुकाबले, इसका गियर इसका चेंज होगा, इसके गियरों में आवाज़ नहीं, अगर आप गियर डालते हो चलाते हो उसमें 15-20 हज़ार रुपये अंतर है, तो उसके इसमें आपको पूरी चीज़ मिलती है। तो आपको ट्रैक्टर कैसा लगा ये और वीडियो कैसी लगी, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को नीचे देकर रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और उसके बगल में एक बेल आइकन आएगी उसे प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।